नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर संतोष कुशवाहा आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूँ हमारे यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, ठंडी का मौसम है और खांसी सर्दी जुकाम तो होता रहता है, लेकिन खांसी में भी दो तरह की खांसी होती है। एक लूज कफ होता है, ड्राई कफ होता है जिसको हम वेट कफ या सूखी खांसी और गीली खांसी भी होते हैं जिसमें कफ निकलता है। दोस्तों, आज हम सूखी खांसी के बारे में बात करेंगे कि सूखी खांसी में हमको क्या करना है, क्या परहेज करना है और क्यों होता है और इसका होम्योपैथिक में क्या उपचार है, तो आज हम इसी के बारे में बात करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं और जानते हैं इसमें क्या समाधान है और इसमें क्या हमको परहेज करना है दोस्तों, और इसके क्या लक्षण है। दोस्तों, जब भी खांसी होता है तो खांसी दो तरह से, जो कि हम पहले ही बता चुके हैं, खांसी दो तरह से होता है। एक में बलगम निकलता है, एक में बलगम नहीं निकलता है। दोस्तों, तो आज हम बिना बलगम वाली खांसी के बारे में बात करेंगे। जिससे जब भी खांसी होती है दोस्तों, तो बहुत ज्यादा खांसी होता है, जिसको भी खांसी होता है वो खांसते खांसते परेशान हो जाता है, खांसते खांसते सीने में दर्द होने लगता है, पेट में दर्द होने लगता है, जो लंग्स है वो दुखने लगते हैं, या जब भी सांस लेने में बहुत ज्यादा तकलीफ होता है दोस्तों, तो ये खांसी इस तरह की होती है। जब भी मौसम चेंज होता है, या कोई कहीं से आया ठंडा पानी पी लिया, या गर्म पानी नहीं पीता है, ठंडा लग गया, गाड़ी से आया ठंडा लग गया, या मौसम बदला, धूप हुआ, फिर ऑटोमेटिक फिर बहुत ज़्यादा ठंडा पड़ गया, तो उस कंडीशन में खांसी हमको हो जाती है। या हम कहीं गाड़ी से जा रहे हैं तो हवा लग गई, उसकी वजह से भी खांसी हो जाती है। खांसी का तो बहुत सारी रीजन्स है जिसकी वजह से हो जाता है। अगर खांसी इस तरह का हो रहा है तो आपको तुरंत ट्रीटमेंट लेना होता है, नहीं तो आप परेशान हो जाते हैं। और खांसी लंबे समय तक रह गया तो भी दिक्कत करता है। इम्यून सिस्टम बहुत बड़ा रोल होता है हमारे लाइफ में। अगर इम्यून सिस्टम हमारा बहुत मजबूत है तो हम जल्दी अफेक्टेड नहीं होते हैं, लेकिन अगर इम्यून सिस्टम हमारा बहुत वीक है, बहुत कमजोर है, तो हम बहुत जल्दी किसी भी बीमारी से ग्रसित हो जाते हैं, खासतौर से एलर्जिकल या ठंडी चीजों से, या ठंडे में आने से, या हवा लगने से, जो कि इसका साइड इफेक्ट हमारे बॉडी पे आता है और हमको सर्दी खांसी जुकाम या बुखार हो जाता है। तो जब भी अगर खांसी हो रहा है इस तरह से, तो आप परेशान ना हो, तुरंत ट्रीटमेंट लें या अपने आप को वार्म रखने की कोशिश करें। तो जब भी खांसी होता है दोस्तों, तो सीने में जलन होने लगता है, दर्द होता है, उसके बाद खांसते खांसते पेट में दर्द होने लगता है, सांस लेने में बहुत ज्यादा तकलीफ होता है, बहुत ज्यादा खांसी आती है, लगातार खांसी आता रहता है। कभी कभी इतना खांसी आता है कि अगर खांसते में कभी कभी ऐसा लगता है कि ब्लड भी आ जाता है। तो अगर इस तरह से समस्या है तो आप तुरंत ट्रीटमेंट लें। तो अब हम जानते हैं कि इसमें क्या परहेज करना होता है। तो जब भी अगर खांसी हो तो आपको ठंडे से बहुत ज्यादा परहेज करना हो चाहिए। जब भी ठंडा केला नहीं खाना चाहिए, चावल नहीं खाना चाहिए, ठंडी चीजों से को अवॉइड करनी चाहिए और अपने आप को वार्म रखने की कोशिश करना चाहिए। तो ये सारी चीजें हैं जिसको हम मेंटेन कर सकते हैं, जिससे और हमको विटामिन सी की का यूज करना चाहिए, जिससे हमारा इम्यूनिटी जो है मेंटेन रहे। और होम्योपैथिक मेडिसिन की बात करते हैं। होम्योपैथिक मेडिसिन में सबसे पहले मेडिसिन है एंटीटार्ट की। एंटीटार्ट अगर जब भी लगातार खांसी आती है, बहुत ज्यादा खांसी आती है, और बहुत बार खांसने पे थोड़ा सा कफ निकलता है और सीने में दर्द होता है, घड़घड़ की आवाज आती है, तो हमको एंटीटार्ट 200 पावर में 5-5 बूंद 3 टाइम लेना होता है दोस्तों। उसके बाद जो अगला मेडिसिन है अमोनियम का। अमोनियम का में भी खांसी जो होती है वो बार बार आएगी, बहुत ज्यादा लगातार कफ आता है, और कफ आने के साथ साथ लगातार खांसी होती है, और खांसी में बहुत ज्यादा सीने में दर्द होता है। और ये लगभग लगभग सुबह में अर्ली मॉर्निंग 3 बजे के लगभग शुरू होता है, और थोड़ा भी ये इसमें चलने पे बहुत ज्यादा तकलीफ होती है, सांस फूलने लगता है। उस कंडीशन में हमको अमोनियम का 30 पावर में 5-5 बूंद 3 टाइम लीजिए दोस्तों। बहुत ये इफेक्टिव मेडिसिन है। जो अगला मेडिसिन है दोस्तों, हायोसाइमस को आप देखिएगा, जब भी आप सोने जाते हैं उस समय खांसी बहुत ज्यादा आता है, तो हायोसाइमस की 30 पावर में आपको 5-5 बूंद 3 टाइम लेना होता है। इसमें भी सीने में दर्द होता है, बहुत ज्यादा खांसी आती है, और जब भी आप सोने जाएंगे, जिसको हम रात्रि नॉक्टर्नल कफ बोलते हैं, जब भी आप सोने जाएंगे उस समय खांसी जो होता है बहुत ज्यादा होने लगता है। ज्यादा होने के साथ साथ आपको सीने में दर्द भी मिलेगा, तो उस कंडीशन में आपको हायोसाइमस की 30 पावर में 5-5 बूंद जरूर लीजिए दोस्तों। दोस्तों अगला मेडिसिन है, उसमें कभी कभी ऐसा होता है कि जब भी आप खांसते खांसते उल्टी कर देते हैं, बहुत ज्यादा खांसी आती है, लगातार खांसी आएगी, और चेहरा लाल हो जाता है, और बहुत ज्यादा दम घुटने लगता है, और खांसते खांसते उल्टी हो जाता है, तो उसमें ईपीकाक आपको मदर टिंचर के रूप में आप ले सकते हैं। इसको 10-10 बूंद 3 टाइम पानी में डाल के लीजिए, बहुत इफेक्टिव मेडिसिन है। जिसमें रूमेक्स भी हम ले सकते हैं। रूमेक्स को 30 पावर में हम 5-5 बूंद 3 टाइम लेंगे। रूमेक्स में भी खांसी बहुत ज्यादा आता है, और दम फूलने वाली खांसी आती है, बहुत परेशान करती है पेशेंट को। जब भी ये दिक्कत होता है तो आप रूमेक्स को 5-5 बूंद करके 3 टाइम जरूर लीजिए दोस्तों।
तो आशा करता हूँ आपको मेरे द्वारा दी गई जानकारी बहुत अच्छा लगा होगा। तो आप प्लीज़ लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट करिए, और अगर अगर और भी कोई वीडियो आपको चाहिए होता है तो आप हमको कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए, और अधिक जानकारी के लिए हमारे व्हाट्सएप नंबर से भी आप संपर्क कर सकते हैं दोस्तों। तो लास्ट तक मेरे साथ वीडियो में बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, और जो लोग सब्सक्राइब नहीं किए हो सब्सक्राइब कर लें ताकि जो भी मैं वीडियो बनाता हूँ नोटिफिकेशन आप तक पहुँचे और आप उसका लाभ उठाएं दोस्तों।